बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे। तो जी आज आप देख रहे हैं साग, साग नज़र आ रहा है आपको। तो जी अब फाइनली साग जो है वो पकने लग गया है। आज आप देखेंगे हमारे व्लॉग में साग स्पेशल व्लॉग। तो मेरी सासू माँ जो है वो साग बनाती हैं। दोपहर को गैस बंद हो गया था इसलिए मैंने अपनी वीडियो बंद कर दी थी। आज जो है वो वीडियो का दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम साग को फुल बनाने की रेसिपी देखेंगे। तो अभी जो है वो साग में पानी था थोड़ा, तो वो पक रहा है। इसके बाद जो है वो हम इसमें बाकी जो है वो प्रोसेस करेंगे, जिसमें अलन डालना है और इसको जो है ना फाइनल इसका काम करना है साग का। इसमें तो जो है वो साग को पकने देते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी अंदर खेल रहे हैं, लोग देखते ही फ़ौरन भाग के आ जाते हैं, देखते ही फ़ौरन भाग के आ जाते हैं, कहते हैं हमें पकड़ लो जल्दी से। लो जी रुकिए, नाता की बहुत करते हैं हम, और क्या, इसी से तो हम क्यूट लगते हैं। अच्छा जी फ़ौरन मेरी जो देख के मेरे पास आ गई है, वही मुझे कह के मुझे उठाओ। जैसे साग के जैसे चूल्हा बंद कर दिया मम्मी ने और अब साग को ठंडा कर रहे हैं क्योंकि इसमें अलन डालना है। अलन, अलन क्या होता है? अलन आटे को कहते हैं, अलन साग की लैंग्वेज में। साग को ठंडा किया जा रहा है। गरम होई बम, होई होई बम, नो नो नो, होई बम, ये है जी मकई का आटा जो हम एज अ अलन यूज़ करेंगे। आप लोग गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। गंदम का भी डल जाता है और मकई का भी डल जाता है क्योंकि इसकी रोटी भी बननी है साथ में, फिर यही यूज़ होगा। इनमें से ना बूरा ज़्यादा हुआ। साग में अलन डल गया है, ये हिलता पिया है, नीचे ना डाल लिए चूल्हे को भर के रख लो। तो जो अभी पकाएंगे ना इसमें ये मकई का आटा जा रहा है। एक दिन खत्म होते हैं, दूसरे दिन आते हैं अंडे। आपको किसने बोला? अच्छा जी बेटा नहीं, वो कहते हमारी शॉप पे नहीं होते, हमने जाना है उधर वापस। स्टेशन कैरी ना हाँ, तो मैं वहाँ से उस दिन ले दूंगी आपको। पिछली बार चॉकलेट लेके दी थी ना, इस बार वो अंडे लेके कल लेके दोगी पक्का। कल कौन जा रहा है? पढ़ाना चलो आप थोड़ा सा डाल लो हाथों के साथ, मुंह के साथ ड्राई कर रही है। जो हिबा को देखो ना, वो गिर ना जाए, वो देखो हादिया, आ जाओ डालो आप जल्दी से। बच्चों को देख के ना टेंशन होती है, पता नहीं की कर रहे हैं। खुदा नहीं लें तो अगे आओ खुदा, चलो आ जरा। एक छिंटा फेस पे पड़ गया ना तो आपको लग पता जाना है, नहीं से चल जाना है। अभी अलन डालने के बाद इसको चूल्हे पे रख दिए, अब अलन पक रहा है इसमें। साग
करता है ये छींटे पड़ रहे हैं कि नीचे कितने लग गए साग ऊपर ढक्कन दिया हुआ है नहीं पहना अंगूठियां उंगला सही कर रहा है इस वक्त जो है ना साग अपने लास्ट लास्ट स्टेज पे आया हुआ है चलो आता करते हैं तो जी साग हमारा हो गया है डन। देखें जी ये देखें माशाल्लाह से साग बन गया। अब ना मैं यहाँ से साफ़ करने लगी हूँ ये जो ये गिर गया है ना साग इसको साफ करते हैं और बाद में इसको तड़का लगाना है क्योंकि इस तरह से ये नहीं खाते इसको घी का तड़का अभी घी का अदरक लहसुन के पेस्ट का तड़का लगाना है तो बाद में। तो जी फिलहाल जो है ना अब सुबह का टाइम है सबको सबसे पहले सुबह खैर गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम सुबह का ठीक हो गया। तो ये नाश्ता जो है ना मेरा आज स्पेशल नाश्ता है क्योंकि ये सिर्फ सर्दियों में मिलता है। ये है मकई की रोटी और इसमें मैंने डाला है दही और साथ में शक्कर साथ में मैंने बनाया है चाय का कप। तो ये हमारा है सुबह का नाश्ता मूड है तो अचानक से प्रोग्राम बना है तो अभी हम चलते हैं बाहर की जानिब। मैं आपको बच्चों की प्रिपरेशन दिखाती हूँ। ये मेरा बेटा रेडी हो गया मेरी गोदी में है इसको मैंने उठाया हुआ है और हुदा खातिया जो है वो नीचे जा चुकी है अम्मी भी नीचे जा चुकी हुदा खातिया खुदा इधर फेस करो हुदा खातिया मुझसे पहले निकल पड़ी थी बहुत लेट हो गई। अच्छा जी मैं लेट हो गई ये हादिया है मम्मी के साथ हादिया टर्न बैक। हम लोग जी पहुंच चुके हैं यहाँ पे बच्चों की जो है ना पार्टी चल रही है बच्चे जो है वो देखो कितने खुश हो रहे हैं आते ही टॉयज के साथ खेलने लग गए और हिबा कहती मैं पीछे क्यों रहूँ मैं भी इनके पास जाऊँगी। खुदा अब जी खाना खाने लगे हैं। तुझे क्या हो रहा है लाइट आ गया लाइट आ गया रेड रेड आ गया इसको पता नहीं क्या हो रहा है कह रही मेरा सारा ही ये हमारा जो है वो लंच चल रहा है सारे सीधा करते हैं यहाँ पे जी हम पैदल मार्च करते हुए घर जा रहे हैं हमें कोई भी रिक्शा नहीं मिला क्योंकि ये गांव है तो ओए होए इतना शोर यहाँ पे ना यहाँ से वहाँ रोड तक जाने की सवारी जो है ना वो मुश्किल मिलती है तो मैंने क्यों ना आप लोगों को भी हम साथ में ले ले आप हमें कंपनी दे आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लें ग्रीनरी किसको पसंद है हाँ ये देखिए ये मुझे इसीलिए हमने तुम्हारी शादी गाँव में कर दी वैसे पसंद तो मुझे भी बहुत है जो अल्लाह पाक ने हमारे नसीबों में लिखा है वो हमें मिलेगा इंशाल्लाह जहाँ पे अल्लाह पाक हमें अपना घर दे दे आप सब दुआ कीजिएगा हमारे लिए कि हमें भी अपना घर मिल जाए और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम अपना घर ले लें। पैदल मार्च करते हुए कैसे लग रहे हैं ये गोती चल रहा है इसको तो ना सवारी मिली हुई है ना हाँ जी फ्री ये सवारी है ना इसमें पेट्रोल डल रहा है वही थकावट ही है ना इसको भी नीचे उतार रहे हैं देखना कितनी अच्छी क्रॉलिंग करता है मिनट में पहले उनसे वहाँ पहुँच जाएगी। तो जी अभी हम यहाँ से जा रहे हैं घर आई थिंक शोर बहुत ज़्यादा है ये अचानक जो आती है ना बै 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 करते हैं तो वो उसमें कोई बैठा हुआ था वो हमें थोड़ी लेके जाएगा साथ जो भी था। तो यहाँ पे हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी पालक है पालक 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 अच्छा हम पालक नु असी कितना कैप्चर करिए दूर बहुत ज़्यादा असी इधर वो पालक उधर दरमियान में ये क्रॉसिंग का ये देखें मैं आपको फिर भी दिखाती हूँ ये देखें जी ये पालक उगी हुई है पालक का क्या साग है पालक का क्या साग है पालक पालक ये पालक है जिसने लेनी है आगे ले ले यहाँ से आगे सही है। तो मैंने कहा क्यों ना आपको भी थोड़ी सी ना नेचुरल ब्यूटी दिखा दी जाए यहाँ से। तो जी यहाँ पे हम करेंगे अपने व्लॉग का एंड पहले भी बोला मैंने लेकिन नहीं किया मैंने कहा आपको दरमियान में आ गई थी पालक तो मैंने कहा ये दिखा दूँ
बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने ये गांव की चीज़ें नहीं देखी होती नेचुरल, तो इसलिए मैंने, मुझे तो खुद को बहुत अच्छी लगती है। उम्मीद करती हूँ आप में से भी बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती हूँ, तो इंशाल्लाह। चलती रोड है तो क्या करें, तो अब मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। जब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाए, मैं जा जाके सब्सक्राइब कर लें। और अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।